आज 23 अक्टूबर है और किसान मजदूर संगठन का ऐलान था कि आज कमिश्नरी पे बैठकर धरना देंगे और सरकार को अपनी मांगों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह है। ठाकुर साहब, मांगे तो आपने बताई थी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, और कुछ नया कुछ है इस बैठक में पूरे धरने प्रदर्शन में? देखो, पहली बात तो यह, मांग नहीं है कुछ भी, अधिकार है मांगण तो। या सरकार जा हमारे दो 5 साल में और झूठ बोल के मांगण जा, मांगण नहीं आ रहे कुछ भी, अधिकार है। गन्ना गेरा मेल पे भुगतान नहीं हुआ, अधिकार है। सरकार हमारी दी हुई संपत्ता से, हमारी दी हुई वोट से सरकार में बैठे हैं, आज हमें लूटने का काम कर रही, वो हमें, हमारा अधिकार है कि हम अपनी संपत्ति वापस लें। क्या मामला है भाई? सरकार बनेगी, विधानसभा बनेगी, लोकसभा बनेगी, बनेगी क्यों भाई? देश संपन्न होगा। यार कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। लोग कहे सन 2047 में देश विकसित होगा, 80 करोड़ लोग जिस देश के नाज ले रहे हो, 26 करोड़ लोग जिस देश के भूखे सोते हो, जिस देश को आज भी शासन और प्रशासन उंगलियों पर चलाता हो, वो देश आने वाले 1000 साल में भी विकसित नहीं होगा। क्योंकि जिस देश का किसान विकसित नहीं है, जिस देश का मजदूर विकसित नहीं है, उस देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। कहीं समय से कभी कोई संगठन होता है, कभी कोई संगठन होता है, आप भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कहाँ कमी रह जाती है, क्यों नहीं पूरी हो पाती आपकी बातों को और आपकी मांगों को? किसानों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है आपके हिसाब से? देखो, दो चीजों का बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा मान के चलो, जैसे किसान मान लो खेत को देखे, डांगरों को देखे, बालकों को देखे, मजदूर अपने घर वालों को देखे, बीमारी को देखे, वो लंबे समय तक आंदोलन नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी होगी। सरकार ने तो कह दिया भाई जनसंख्या घटाओ, किसान बेचारा उसे भी घटाएगा, तो किसान लंबा आंदोलन कर नहीं सकता। सरकारों को, प्रशासन अधिकारियों को ऐसा लग गया, अगले 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चिल्लाओगे चले जाएंगे, इसलिए समाधान नहीं हो रहा। लेकिन यह जो आस्ते आस्ते में धुआं उठ रहा ना, ये आस्ते आस्ते में धुआं उठ रहा, ये चिंगारी लगन लग रही, एक दिन ऐसा होगा वो खेत को भी छोड़ देगा, वो फैक्ट्री को भी छोड़ देगा, वो मजदूरी भी छोड़ देगा, वो किसानी भी छोड़ देगा, और इन अधिकारियों के दफ्तरों में से निकाल निकाल के, इन नेताओं को विधानसभा लोकसभा में से निकाल निकाल के इनका इलाज भी कराएगा, ये पक्की गारंटी। विधानसभा का उपचुनाव है 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, और आप देख रहे हैं कि इससे पहले बाराबंकी में भी दंगा भड़का, बुढ़ाना जो मुजफ्फरनगर में लगता है वहां पर भी विवाद हुआ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सब राजनीतिक चाल है, ये नेताओं की बनी बनाई बात है। पहली सरकार पर आरोप था भाई पहली सरकार दंगे करवावे, चलो यह सरकार हम कह रहे भाई दंगे नहीं करवा रही, दंगे को निपटा रही, हमने मान ली। फिर ऐसा क्या मामला भाई, बजाज कौन सा इतना बड़ा दंगा ही है भाई जो भुगतान नहीं दे रहा? सिंभावली ऐसा कितना बड़ा बदमाश है भाई जो मतलब भुगतान नहीं दे रहा? किसानों की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करो बैठे, मान लिया उनपे पकड़ नहीं हो रही उनकी, ऐसा भाई मान लिया इसका मतलब तो ये है कि भाई जहां देखिए तवा पड़ा तो वही काट दी सारी रात। सरकार का तो हाल हो रहा, झगड़ा होगा छोटा सा बना देंगे बड़ा, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, चीन के नाम पे, वोट लेने का मामला समाप्त होना चाहिए, ये समाप्त होना चाहिए। जो दंगे मतलब आप जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार करवा रही है? नहीं नहीं, ये नेताओं के सिवा कोई करवा ही नहीं सकता। किस पे फुर्सत है यार? जो आदमी आप अंदाजा लगा के बैठे, जो अपने अधिकार के लिए बेचारा 4 घंटे नहीं बैठ सकता, 1 दिन नहीं बैठ सकता, वो महीनों महीनों दंगों के कर्फ्यू को झेल लगा, क्या जनता नहीं कर रही दंगा? किसान मजदूर व्यापारी नहीं कर रहा दंगा? दंगा नेताओं के नेता करवा रहे अपने गुंडों पे, और ये नेता गुंडों पे दंगा करवा रहे, फिर दंगे के नाम पर वोट ले। कौन है ये नेता? यही है तो, ये 800-900 सांसद है, 4,500 विधायक है, और कोई नहीं। ये अच्छा, पूरे देश में, पूरे देश में तांडव मचा रखा, सब इनकी कमी है, और ये देश फिलहाल सत्ता का गुलाम है ये देश। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? उपचुनाव भी हो रहे, क्योंकि ये कुछ नहीं, चुनाव बुनाव तो ये सब फॉर्मेलिटी है। मान लिया अभी चुनाव करवाए तो थे सरकार ने, सहकारी गन्ना समिति के चुनाव हुए, कहीं भी नहीं हुए, घोषणा हुई बस, बीजेपी ने जिसे चाहा वो हुआ।
ऐसे ही विधानसभा के चुनाव इसमें जिसे चाहो तो कर ले। काफी लोग आए हैं आपके इस धरने में, क्या आगे की रणनीति है और कितना लंबा चलने वाला है आज ही? भाई अधिकारी तो कोई बीच में आया नहीं हम लोग, और मान लिया अधिकारी बीच में आओगा बात करेंगे, बात वो मानना का तो बात ठीक है, नहीं तो यहाँ तो रो रहे भाई और ज्यादा किल किसी मार कर रोन लगाने और फिर भी नहीं सुने किसी ने, बस फिर आगे का जुगाड़ किसानों से पूछ कर करेंगे, जैसे तो किसानों से पूछ के करेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं, फैसला कुछ अभी तो कोई आया नहीं, नोबी ने पूछा ना भाई तुम क्यों बैठे यहाँ, क्या धारा मामला, क्यों रो रहे यहाँ बैठे हुए अभी तो ये देखो यही कमिश्नर दिया मान लिया, यहाँ आवाज नहीं जा रही। अगर कमिश्नर को 20 बीघे की कोठी मिल रही, इतना बड़ा कमरा मिल रहा, इतना बड़ा पद मिल रहा, तो किसी खातर मिल रहा, देश के नागरिकों के लिए मिल रहा ना, तुरंत उठ कर आना चाहिए था। अरे भाई आप किसान भाई यहाँ क्यों बैठ गए, आप अंदर चलो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगी, मैं कमिश्नर हूँ। लेकिन कुछ नहीं, लोग कह रहे चिल्ला पिल्ला के चले जाओ अपना, ए यो दिमाग में बैठा जाने वाले हो देखा भाई क्या होगा, मान लिया तो किसानों से पूछेंगे, मुझे तो लगता नहीं है जाएंगे, तो मूड बना के आ रहे बैठे रहेंगे। हाँ मुझे तो उम्मीद है पूरी। चुनाव का मैंने एक सवाल आपसे और पूछना है, मीरापुर में अभी तक एनडीए का प्रत्याशी नहीं उतरा, आरएलडी के पक्ष में सीट है वो? भाई चोर चोर मुझे रे भाई है, किसी को उतार ले तो सारे मारा ही डांग बैठाओगे किसी को। आप लोगों से भी बात कर लेते हैं, उठने के मूड में है या नहीं अभी? किसानों को देख के नहीं लगता कि वो उठने के मूड में, ये किसान वही है हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था आंदोलन करके, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेज चले गए, लेकिन ये सांसद और विधायक ये उन अंग्रेजों से भी ज्यादा भ्रष्ट बेईमान और तानाशाह है। पंचायत चल रही है हमारे लिए बात करने के लिए इसलिए रोका है, तो ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी पंचायत को जारी रखना है, और जहां तक ठाकुर पूरन सिंह और बाकी लोगों का मानना है वो यही है कि ये धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर है और सरकार के जो संबंधित अधिकारी है उनके मांग सुननी चाहिए, जहां तक चुनाव की बात है चुनाव को लेकर भी सत्ताधारी जितने भी विधायक सांसद हैं उन पर हमलावर नजर आए हैं ठाकुर पूरन सिंह। जहां तक धरने प्रदर्शन की बात है कुछ देर में फैसला लिया जाएगा, और मूड में ये है कि ये धरना ये प्रदर्शन ये लंबा चलाया जाए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।